हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव है ब्रो। आज हम बात करेंगे फ्लक्स वीपीएन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे आपको फ़ायदा होगा या फिर नुकसान, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी स्टूडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है तो वीडियो के एंड तक के बने रहे ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज़ कर पाओ। ये एप्लीकेशन हाल ही में रिलीज़ हुआ है 20 दिसंबर 2023 को और उसी दिन अपडेट भी हो चुका है। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाते हैं ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज़ कर पाओ। दोस्तों, जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ऊपर की साइड से आपको एडवर्टाइजिंग को हटा देना है। एडवर्टाइजिंग को हटाने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है, ऊपर की साइड में ये रिकल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है या बिजली वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आपको ऑलरेडी ऊपर की साइड दिए होते हैं, स्मार्ट कनेक्ट, वीडियो एंड म्यूजिक एंड गेम। अब आप इस एप्लीकेशन को क्यों यूज़ करना चाहते हैं पहले वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप उसी हिसाब से इस चीज़ को सिलेक्ट कर ले दोस्तों। तो यहाँ पर मैं गेम के ऊपर म्यूजिक के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जहाँ सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। जैसे हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर में कनेक्ट भी हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद आप इसको आसानी से यूज़ कर पाओगे। अब दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये एप्लीकेशन को आप एक घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें टाइम की लिमिट होती है, तो इस वजह से आप इसको एक घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको और भी ऑप्शन है देखने के लिए मिलते हैं, जैसे 120 मिनट का ऑप्शन, 90 मिनट का ऑप्शन, तो आप उसकी वजह से यहाँ पर आगे तक के जा सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन एक बेस्ट एप्लीकेशन माना गया है, जैसे कि आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो और भी अलग अलग कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस एप्लीकेशन को कुछ और काम के लिए यूज़ करें तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एप्लीकेशन वो काम करेगा भी या नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।